आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिम कार्ड किसके नाम पर है, आप कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जियो का सिम कार्ड है, तो हम यहाँ पर आपको जियो के सिम कार्ड के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन आपको उदाहरण के लिए हम बहुत काफ़ी जानकारी दे जाएंगे जिससे आप किसी भी सिम कार्ड के ओनर का नाम पता कर सकते हैं। दोस्तों सिम कार्ड जो है कि आधार कार्ड से लिंक होता है और जो कि आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं कि ये सिम कार्ड किसके नाम से रजिस्टर है, ठीक है। तो दोस्तों इसे पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको पता करना है कि आपका सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है, ठीक है। आपको इतना पता करने के बाद क्या करना है, हर एक कंपनी का एक ऐप होता है, जैसे कि जियो सिम कार्ड का माई जियो ऐप है, एयरटेल का माई एयरटेल होता है, तो इसी प्रकार आपको हर सिम कार्ड का एक एक ऐप प्ले स्टोर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो आपका सिम कार्ड जो है उस सिम कार्ड का ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पर जो कि हमारा जियो का सिम कार्ड है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर आपका भी जियो का सिम कार्ड है तो माई जियो ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको माई जियो ऐप को ओपन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों हम माई जियो ऐप को ओपन करते हैं, और दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस साइड लिखा है मेन्यू, तो आपको मेन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे प्रोफाइल और सेटिंग लिखा हुआ आएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर ही जिनके नाम से आपका सिम कार्ड रजिस्टर होगा उनका नाम और मोबाइल नंबर दिखाई देगा, ठीक। और अगर आप बोलते हैं कि सिम कार्ड ही नहीं है, टूट गया है या तो खो गया है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो कि हमारा जो सिम कार्ड है वो किसके नाम पर था। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सिम कार्ड होगा आपको दूसरा वही सिम कार्ड लेना है उसी कंपनी का, और आपको कस्टमर केयर पर कॉल कर देना है, ठीक। कस्टमर केयर पर कॉल करके आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, मोबाइल नंबर बताने के बाद आपको उनको बताना है जो कि ये नंबर हमारा था लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे भैया के नाम से रजिस्टर है या हमारे पापा के नाम से रजिस्टर है या हमारे नाम से, हम इसे दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, प्लीज़ कृपया करके आप बता दीजिए ये सिम कार्ड किसके नाम से रजिस्टर है। तो आपको वो बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि आपका जो सिम कार्ड है वो किसके नाम से रजिस्टर है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कोई आपको अनोन नंबर वाला परेशान कर रहा है नए नंबर से कॉल करके, और आप उसको पता करना चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर किसका है, तो कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल पे ओपन करना है। यहाँ पर गूगल पे ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है पे फोन नंबर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर दबाना है, ठीक है। यहाँ पर दबाना है, और जो आपको नए नंबर से कॉल करके परेशान कर रहा है आपको क्या करना है, उसका नंबर यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ से चलिए कोई अनोन नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कि हमारे डायल पैड में अनोन नंबर पड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम कोई भी एक अनोन नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर एक अनोन नंबर है, इसको हम यहाँ पर जो कि कॉपी करेंगे और उसके बाद वहाँ पर हम जा करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, और उसके बाद आप आसानी से बड़े आसानी से देख सकेंगे कि ये मोबाइल नंबर किसका है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है परवीन भाई जासनी, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा आदमी जो कि हमें हैरान और परेशान कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप जो कि अपने सिम कार्ड के और या तो दूसरे के सिम कार्ड के बारे में पता कर सकते हैं कि सिम कार्ड किसका है, या तो जो कि हमारा जो सिम कार्ड है किसके नाम से रजिस्टर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।